सूबाई वजीर जंगलात पंजाब सिबतैन खान को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब की जानिब से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। नैब ने सिबतैन खान को गैर कानूनी ठेके देने के इल्जाम में गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया था। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इबादुल हक से। इबाद, इस पेशी से मुतालिक बताइए, इन पर इल्जाम क्या है, उस पर भी जरा तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, सिबतैन खान जो सूबाई वजीर हैं, इनको आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। इनके खिलाफ ये इल्जाम है कि उन्होंने 2007 में बतौर वजीर ठेका दिया था खाम फुलाद का, और ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया जिसको इस बारे में कोई तजुर्बा नहीं था, और अरबों रुपए मालियत का ये ठेका सिर्फ 25 लाख रुपए में दिया गया। इस तरह ना सिर्फ कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया गया, जो कवानीन थे उसको भी नजरअंदाज किया गया, जिस पर नैब ने इंक्वायरी शुरू की थी, और इंक्वायरी में कल सिबतैन खान जो सफाई वजीर हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज उन्हें एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किया जाएगा, और नैब की जानिब से उनका 15 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा जाएगा ताकि वो सिबतैन से मजीद तहकीकात कर सके। जी ठीक है, इबादुल हक, आपका बहुत शुक्रिया।